कि 25 मिनट, तो सब लोग बिजी है नाश्ता करने में। ये आज भसंत जी की बड़ी सी बाइट मंडी में रश और हल्ला गुल्ला तो यहाँ पे रोज लगती है। सुबह पे मंडी ना 11 बजे तक लगती है ये मंडी। ये देखिए यहाँ से मंदिर से ना बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। और ये माता रानी का मंदिर दिख रहा है, मंदिर का यहाँ से वहाँ से स्टार्ट हो जाता है तल्ली ताल का जो बाजार है ना, तो यहाँ पे ये डॉक्टर गंगोला का जो वो है। तो इस सीढ़ियों से हम चलेंगे यहाँ से ऊपर को। ये लोग कह रहे हैं एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं इस समय 8 बज के हो चुके हैं 5 मिनट और मैं नोनी को नाश्ता करवा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या नाश्ता करवा रही हूँ। और ये लड़का भी फोन देखने में लगा हुआ नाश्ता करते करते। हेलो हाय कुछ बोलो। हेलो इधर देख के बोलो, हाथी लाके बोलो। हेलो पराठा खा रहा है, बैठ जाना। मैं बैठ क्यों नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स नाश्ते में मैंने बनाई है, देखिए मेथी की पूरियाँ है, ये मेथी का आटा लगा हुआ है। तो उसके मेथी के आज पराठे नहीं खाने थे, नोनी को खानी थी पूरियाँ, तो मैंने पूरियाँ लगा दी हैं। तो पूरियाँ खा रहा है ना, चले जाना ना तुम्हें। क्या दे हरी भाजी हरी सब्जी के साथ सॉस में चटनी। तो कितना टाइम नहीं हो गया, 8 बज गए, कितने में निकलना है। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 8:20 इस समय हो रहे हैं और मैं आ गई थी बाहर को। मैंने क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। तो देखिए इस समय लेक बिल्कुल खाली, एक भी बोट नहीं है। नहीं तो क्या होता कि जब भीड़ भाड़ होती है ना, इस समय से बोटिंग स्टार्ट हो जाती है कई दफ़ा। तो धूप लगी हुई है बढ़िया सी, मस्त सी धूप। तो आजकल धूप लग रही है दिन के समय में, फिर शाम के समय में कभी हल्के फुल्के बादल, हल्की फुल्की धूप, इस तरह का मौसम हो रहा है। तो चलिए फ्रंट से भी थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को व्यू। तो नीमा वहाँ पर एक्सरसाइज करती हुई पाई जा रही है, दिख भी नहीं रही इतनी दूर, दिख भी नहीं रही इतनी दूर से। तो नीमा एक्सरसाइज करते हुए पाई जा रही है, मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। तो एक्सरसाइज का वीडियो शूट करना था मुझे एक दिन सुबह की शुरुआत के साथ। हाँ मैं आज को सुबह का करती हूँ शूट भी, एक्सरसाइज वीडियो ना, मैं तो कर ही नहीं रही हूँ आजकल, छूट गया मेरा तो। तो फ्रेंड्स ये देखिए मॉर्निंग व्यू सामने से गप्पे मारते हुए। तो चले बनाते हैं नाश्ता काय में। अच्छा तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा है नाश्ता और इस समय सुबह के 9:25। तो सब लोग बिजी है नाश्ता करने में। ये आज भसंत जी की बड़ी सी बाइट गई। क्या बनाया? मेथी का पराठा। कैसा बनाया? अरे साग के साथ मेथी का पराठा और अंडा, बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं निकल पड़ी हूँ दुकान की तरफ और सुबह के 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट से 11 बजने में। तो थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, आज कुछ काम है। ये ऑल्ट्रेशन वगैरह का सामान भी है, थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करवा के इसके बाद निकलते हैं दुकान की तरफ। तो मौसम बना हुआ है आज अच्छा सा, बढ़िया सा, खूबसूरत सा। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे मार्केट में और यहाँ पे लगी है सब्जी मंडी। तो ये देखिए रश मंडी में, रश और हल्ला गुल्ला तो यहाँ पे रोज लगती है। सुबह पे मंडी ना 11 बजे तक लगती है ये मंडी। तो आजकल शायद विंटर से जिसकी वजह से थोड़ा देर तक लगती है, तो काफ़ी अच्छा खासा वाला रश दिख रहा है यहाँ पे। तो चले हम चलते हैं मार्केट की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ इधर मंदिर की साइड में। तो ये है मंदिर का नज़ारा सुबह सुबह का। अनमोल के बच्चे तो साइड से अनमोल मुझे देखता हुआ मुस्कुरा रहा है कि मैं फोटोग्राफर बनी थी अभी। तो टूरिस्ट ने मेरे हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा दी कि मैम फोटो खींच दीजिए, तो मैं उनकी फोटो वोटो खींच के। तो चले मंदिर दिखा देती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को मंदिर का। तो अनमोल कुछ बोलेंगे आप? तो अनमोल धूप बत्ती लेने आए हुए, अभी पूजा नहीं करी अभी तक, कब से दुकान खोली तूने? गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ तो बोल दे मेरे व्यूवर्स को, आफ्टरनून हो गया शायद। अच्छा तो चलिए मंदिर थोड़ा सा मैं शूट कर देती हूँ, ठीक है? बाहर से थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ, मंदिर प्रांगण दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे सामने में हनुमान जी का मंदिर है, जय वीर हनुमान। और ये देखिए यहाँ से मंदिर से ना बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। और ये माता रानी का जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे है, तो बहुत सुंदर, अति सुंदर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो इस समय पता क्या दिन के हो रहे हैं 1:15 और हम लोग निकल पड़े थोड़ा सा आगे घूमने के लिए तल्ली ताल की तरफ। तो मैं हूँ इस समय पंत पार्क में और मेरे पीछे देखिए बिल्कुल खाली खाली सा। तो जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग जिन ने भी देखा होगा, तो मेरा उसमें टाइटल ही था नैनीताल खाली। तो बिल्कुल ही खाली हो रखा है नैनीताल, एक भी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ लोग लाइट्स हैं जो भी हैं, तो बिल्कुल खाली खाली सा है। तो चलिए कैमरा टर्न करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह का हो रहा है और मेरे साथ कौन कौन जा रहे हैं ये भी दिखा देते हम लोग। तो ये देखिए इस तरह का कुछ चल रहा है यहाँ पे, ये है पंत पार्क का नज़ारा इस समय। तो अच्छा लग रहा है खुला खुला सा। तो पतझड़ से देखिए मैं पेड़ हमेशा दिखाती हूँ ना, पतझड़ की वजह से ऐसे हो गए बेचारे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ है प्रेमा भाभी, पीछे मुड़ो। हेलो, ये है प्रेमा भाभी और डोमा, ये है डोमा रानी। तो हम लोग जा रहे हैं तल्ली ताल, उसने मुंह ऐसे घुमाया बिल्कुल ठुडुक करके, नहीं देखा जैसे करके इग्नोर ही कर दिया मुझे। रेस्ट है मतलब है, रेस्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग ना पैदल नहीं जाएंगे,
रिक्शा लेकर रिक्शा से जाएंगे। तो ई रिक्शा दिख रही है आगे, तो 10 रुपये सवारी रिक्शा जाती है। तो रोड क्रॉस कर लेती हूँ इससे पहले कि मेरा कचूमर निकल जाए यहाँ पे। तो रिक्शा स्टैंड देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर था, तो कितनी बार बोलती पता नहीं मैं। तो ये टिकट काउंटर रिक्शा स्टैंड का यहाँ पे, तो अनाउंस करने के लिए यहाँ पे ये भी लगा हुआ है। टिकट लेना पड़ता क्या? लेना पड़ता क्या टिकट? अच्छा, तो ई रिक्शा के लिए भी टिकट लेना पड़ता है। तो 10 रुपये पर सवारी होगा शायद टिकट। तो ये देखिए रिक्शा स्टैंड यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है, लकड़ी इसमें वुडन वुडन कार है। तो फ्रेंड्स हमने ले ली है ई रिक्शा, तो ई रिक्शा लेके हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से। तो ये देखिए मॉल रोड का इस समय नज़ारा, मेरा फोन हाथ से छूटने का बड़ा खतरा हो रहा है भाई, सीरियसली उल्टे आते हुए पानी ना, खूब पानी है, बड़ा लग रहा है, फुल है ना लेक, बढ़िया लग रहा है, मजेदार ही, वो भी मजेदार सुंदर सी लेक। तो फ्रेंड्स नैनी लेक मॉल रोड से जाते हुए ये रिक्शा से शूट कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हम लोग उतर चुके हैं रिक्शा से, और ये देखिए मॉल रोड का नज़ारा इस समय। तो कलीताल पहुँच चुके हैं हम लोग ना, तो चलिए चलते हैं आगे को। जो मेरे साथी है वो लोग जा चुके हैं बिल्कुल आगे आगे, तो मैं भी निकलती हूँ आगे को। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ पे ये है तल्ली ताल। तो यहाँ से हम लोग उधर को जाते हैं ठंडी सड़क की तरफ को। तो देखिए तल्ली ताल से देखिए इस तरह का व्यू है, तल्ली ताल से नैनीताल का व्यू कुछ इस तरह का है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तल्ली ताल का जो बाजार है ना, तो यहाँ पे ये डॉक्टर गंगोला का जो वो है हॉस्पिटल है ये वाला, जिसमें डेंटिस्ट थे पहले, तो अब नहीं रहते हैं वो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये देखिए स्वीट शॉप है, ये गली जैसी जाती है ऊपर तक। तो ये गली 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 से गली टाइप्स की है यहाँ पे तल्ली ताल का जो मार्केट है, बस ये गली गली सी है, इधर उधर शॉप से बीच में ये गली है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, ये अच्छा है, यहाँ पे बाइक्स वगैरह चल रही है, गाड़ियाँ नहीं चलती इस वाली मार्केट में, ये मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा ये वाला रोड यहाँ से, अच्छा यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो सेंट मेरी स्कूल की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ से गली। अरे वाह, तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे फूल लगे हुए, खूबसूरत खूबसूरत से। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है वो वाला, लग रहा ना पिंक वाला, अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छे से फूल लगे हुए और यहाँ पे तिरंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस वाली गली में जो हमारे सरदार जी की दुकान है, जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं ना। तो ये शुरू पहली गली जो आती है उसमें जाके अंदर, तो जिनको भी सूट पीस लेने तो वहाँ से ले सकते हैं जहाँ से हम लेते हैं सूट पीस, इस पहली गली से तल्ली ताल बाजार की पहली गली है। तो फ्रेंड्स मल्ली ताल के बाजार में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फूल माला की एक शॉप है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी शॉप्स दिख रही है जहाँ पे फूल माला और ये देखिए दिवाली के सारे सामान जो है, कैंडल्स वगैरह लाइट्स वगैरह सब कुछ ही आ रखी है। तो देखिए मैं तल्ली ताल में उस समय, बहुत खूबसूरत से दिवाली के सामान सज चुके हैं यहाँ पे, माता रानी के मुखौटे वगैरह भी लग गए हैं, सब कुछ ही लग गए हैं यहाँ पे ना। तो इस तरह का हो रहा है, और इस साइड को तो नहीं है कुछ भी, तो इस साइड में फूल मालाएँ वगैरह सब लगी हुई हैं। तो मतलब ऐसे लग नहीं रहा कि हम लोग इधर इसमें तल्ली में, ऐसा मल्ली वाला जो नीचे वाला बाजार है ना, बड़ा बाजार के नीचे वाला बाजार, उस टाइप का बाजार लग रहा है ये वाला बाजार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मुझे ये फूलों की माला ही लग रही है सब जगह, तो मैं इन्हीं को देख रही हूँ। तो लंबी लंबी सी मालाएं जो लगी हुई है इस टाइप की, तो जिस जिस दुकान में भी लगी, जो दिवाली के सामान जहाँ जहाँ पे लगे ना, वो एकदम से अट्रैक्ट कर रहे हैं हमको। तो यहाँ पे भी देखिए सारे पोस्टर्स वगैरह आ गए हैं माता रानी के, तो और ये एप्रन वगैरह सब आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाली शॉप में भी शाह पुस्तक भंडार में ये सब लगा हुआ जो है। तो भाभी क्या मिला आपको? तो भाभी चिप्स लेके आए, भाभी को देखो यहाँ पे, ये बड़े अच्छे लगे। हाँ यार हरी सब्जी बड़ी मस्त मिल रही है, तो हमको तल्ली ताल में आके सब्जियाँ दिख रही है। मैं कोई भी खा लूँगी, ये साथ में खाऊंगी। तो इनके पास इतनी फ्रेश सब्जियाँ दिख रही हैं मुझे, तरोताज़ा सब्जियाँ। तो देखो हम लोग गृहिणी हैं ना, तो हमको सारी चीज़ें सब्जियाँ भी दिख जाती है मार्केट में, लेने कुछ आते तो हमको सब्जियाँ नजर आती। यहाँ पे जो हरी सब्जी बहुत ही फ्रेश दिख रही है। और ये है वो वाली दुकान जहाँ पे हमको देखना था सामान, तो यहाँ पे देखने, अरे मेरे को ना यार। तो फ्रेंड्स हमारे अंकल की दुकान है, तो अंकल ने मुझे दिया एक ताकत की गोली करके एक चूर्ण दिया है, तो देखिए मैं ताकतवर होने वाली हूँ। तो इनके यहाँ पे सूट्स काफी अच्छे अच्छे हैं, मैंने पूरा एड्रेस भी बता दिया इनका। तो जिनको भी ऐसे फीसिस चाहिए, वुलन सूट्स भी काफी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स भाभी ने ले लिया सब्जी भी, डोमन ने ले लिया था लोअर कपड़ा, और भाभी ने लिया सब्जियाँ। तो सब्जी लेने पहुंचे हम तल्ली ताल। हाँ इसके पत्ते बड़े अच्छे होते हैं। तो डोमा को ये पसंद आई, यहाँ पे एक लड़ी लाइट वाली, लड़ी वाली लाइट, ये पटाखा वाला आ गया, मुर्गा छाप की लड़ी नहीं है, डोमा को पसंद आ गई है। चलो ले रही हो,
अरे ये आ रखा है यहाँ पे मेरे को, ये जाले झाड़ने वाला बड़ा अच्छा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग ना गेहूं की दुकान है ना वहाँ, तो हम लोग यहाँ से आ गए हैं ऊपर को। तो इस सीढ़ियों से हम चलेंगे यहाँ से ऊपर को, ये लोग कह रहे हैं कहीं ऊपर को पता नहीं किसकी दुकान है, तो वहाँ की तरफ चल रहे हैं। तो ये लोग मुझे तली ताल घुमा रहे हैं। सीरियसली मैंने तली ताल ना बहुत ही कम घुमा हुआ है, मैं तली ताल की बाजार नहीं घूमी हूँ बिल्कुल भी। वहाँ पे एक शॉप है मेरी जिठानी जो भाभी कुंता है उनकी फेवरेट है, कह रहे ये लोग कह रहे भाभी कुंता यहाँ पहले बहुत आती सूट्स लेने के लिए। मैं भी आई थी एक आधी बार, मुझे उतना खास खास याद नहीं है ना, तो कर्टन टंगे हुए इनके बाहर पे। हाँ पर कपड़ा देखो उसका कितना वो है रद्दी, तो ये नेट वाला भी कपड़ा फिर से आ गया कि। तो फ्रेंड्स हम लोग तली ताल में काफ़ी ऊपर को आ गए हैं, तो यहाँ से देखिए व्यू कुछ इस तरह का है। वो वाली गली और उसके बाद एक गली, एक यहाँ पे ये वाला मार्केट है, तो ये है तली ताल का मार्केट। यहाँ से भी हम उतरेंगे नीचे जाके तो वही चौक पे पहुँचेंगे जहाँ से मैं आपको अंदर को लेके गई थी उस वाली मार्केट में। तो बड़ी अच्छी सी अलमारी है, क्या होगी पिचका है तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी अच्छा कुछ है। वो भाभी वो क्या है, वो बकरा वाला जो है रनर है ना, बेड रनर है क्या वो, रनर है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, रनर कितने का है ये, रनर है रनर, बेड साइड रनर नहीं होता जो। हाँ तो यहाँ पे कर्टन वगैरह भी अच्छे अच्छे, तो यहाँ पे मुझे नहीं रनर बड़ा अच्छा लग रहा है, ग्रे वाला अच्छा लग रहा है ऊपर, ग्रे वाला रनर ज़्यादा अच्छा लग रहा है इससे, वैसे ही बैठने के लिए सुंदर है वो। सब लोग हो गए बिजी, भाभी अंदर पर्दा वर्दा दिख रही है, डोमा भी उस साइड में कुछ दिख रही है। तो ये वाली मार्केट में हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे से सामान दिख रहा है इसमें। तो पीछे बड़े अच्छे से गाने लग रहे हैं, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे कर्टन दिखे जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है अच्छी लगी है, बहुत ही खूबसूरत पर्दे हैं देखिए यहाँ पे, ये सी ग्रीन सा जो है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला जो पिंक वाला ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो जिनको कर्टन चाहिए होते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे। तो कुशन कवर्स भी अच्छे हैं इनके पास, ये देखिए कुशन के जो कवर्स हैं ना ये भी बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आ सकते हैं जे एंटरप्राइजेज में, ये है जे एंटरप्राइजेज यहाँ पे तली ताल में। तो इनके यहाँ पे जो है ना कलेक्शन बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, मज़ेदार कलेक्शन है, मज़ा आ गया मतलब देख के। तो मुझे लगता है जो भी यहाँ पे आएगा ले बिना नहीं जाएगा, हम जा रहे बिना ले, क्योंकि हम लोग कैश लेके आए नहीं और मेरे गूगल पे में पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। फ्रेंड्स हम लोग ना तली ताल से आ चुके हैं वापस को। हाँ मैं ब्लॉगर, हाय मैं ब्लॉगर, नहीं भाभी मैं बिल्कुल नहीं देने दूँगी, खबरदार अगर मछली को दिया ना कुछ मैं ना वो करवा दूँगी, पुलिस में दे दूँगी, देना ही नहीं ना बिल्कुल भी नहीं, खबरदार दिया आपने कुछ, मछलियाँ मरती हैं उसे कोई खा के, हम लोग कोई पुण्य नहीं कर रहे, पाप कर रहे हैं वो करके, मैं औरों को नहीं देने देती हूँ आपको दे दूँगी। तो फ्रेंड्स मछलियों को जो ना बिल्कुल भी लेक में चारा ना डालें बिल्कुल, क्योंकि भाभी कह रही ब्रेड के दो पैकेट ले जाती हूँ मछलियों को डालूंगी, तो मैंने भाभी को बिल्कुल मना कर दिया। तो जो लोग भी जाते हैं मछलियों को ये सोच के डालते हैं ना कि हम लोग बड़ा पुण्य का काम करें, तो वो पुण्य नहीं होता वो पाप होता है, उससे वो मरी जाती हैं मछलियाँ ना ब्रेड खा के, तो ना डाला करें ब्रेड मछलियों को। तो चले हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं देखिए तली ताल से बाहर को। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा आप लोगों को लगा मेरा ब्लॉग। तो जहाँ से हम चढ़े थे वहीं से वापस आ गए, छोटा सा मार्केट है पर यहाँ पे जो सामान है ना बहुत ही बढ़िया था उस वाली शॉप में, जे एंटरप्राइजेस का जो स्टाफ था मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें कलेक्शन उनका बहुत ही मस्त था। फ्रेंड्स ये देखिए ओल्ड बस स्टैंड जो था ना वो बन के हो गया कुछ इस तरह से तैयार, अभी यहाँ सामने से ये बंद हुआ हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत सा बन रहा है, क्या बन रहा है मुझे खुद नहीं पता, अभी जब मुझे पता चल जाएगा ना क्या बन रहा है तो मैं आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूंगी। कुछ बन रहा है पर बहुत ही खूबसूरत बन रहा है जो भी बन रहा है। तो चलिए अब हम चले यहाँ से वॉक करते हुए ठंडी सड़क से होते हुए पहुँचेंगे मार्केट की तरफ। ये तली ताल, और ये तली ताल से नज़ारे कुछ इस तरह के खूबसूरत से नज़ारे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं ठंडी रोड, अब ठंडी रोड से ना ये अभी बाहर को ही गेट के इस पार, तो यहाँ से अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये देखिए ठंडी रोड की एंट्री यहाँ से, और हम लोग ठंडी रोड से होते हुए सीधे मार्केट की तरफ ही पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स दिन के 2 बज चुके हैं, तो हम लोग यह तली ताल से वापस आ चुके हैं ठंडी रोड से होते हुए, तो वो सब कुछ मैंने शूट करवाई है। तो इस तरह का देखिए मौसम ना, कभी यहाँ पे धूप छांव टाइप का हो रहा है, अच्छा सा मौसम है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी वाला सा, बढ़िया सा मौसम बना हुआ है। शाम के समय में जो थोड़ी बहुत ठंड है उस तरह का हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह का है अभी क्राउड यहाँ पे। तो चले आज का जो ब्लॉग है मेरा काफ़ी लंबा हो चुका, पूरा तली ताल में आप लोगों को घुमा के ला चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उसको यहीं पे जो है पूर्ण विराम देती हूँ। तो कल को फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।